घटना स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक हमलावर ने मंत्रालय की इमारत के सामने खुद को उड़ा लिया और दूसरे हमलावर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये विस्फोट संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से कुछ ही घंटों पहले हुआ। स्थानीय मीडिया ने खबर दी थी कि संसद के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की राजधानी अंकारा में संसद के पास हुए हमले के बारे में। तुर्की की राजधानी अंकारा में संसद के पास भीषण विस्फोट हुआ। घटना में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। भीषण बम विस्फोट के बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद रही। राजधानी अंकारा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट अंकारा में बिल्कुल संसद के पास हुआ है। घटना से अंकारा में हड़कंप मच गया है। समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। फिलहाल घटना में अब तक मरने वालों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। तुर्की के गृह मामलों के मंत्री अली यारलेकिया ने बताया कि रविवार को उनके मंत्रालय के पास एक आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में हमलावर ने एक विस्फोटक उपकरण में धमाका कर दिया, जबकि दूसरे हमलावर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। तुर्की में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद रविवार को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होनी थी, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से कुछ घंटों पहले ही ये आत्मघाती हमला हुआ। तुर्की की मीडिया के मुताबिक घटनास्थल पर विभिन्न संदिग्ध बैगों को नियंत्रित तरीके से हटाया जा रहा है। गृह मंत्रालय और संसद भवन के पास जहाँ अटैक हुआ वहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति एर्दोगन आज भाषण भी दे सकते हैं। वो बाकी सांसदों समेत संसद पहुंच सकते हैं। फिलहाल संसद के पास कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।